विश है सिंगिंग स्टार्स खुरम और स्थिति, मेरा फोन आया है। हेलो, तेरे चेहरे से नजर नहीं। तो हम उस तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और वो फील महसूस कर रहे थे जैसे उन्होंने फील किया। तुझे मिले के भी प्यास नहीं। जैसे कि मैंने इसका वीडियो देखा, नीतू सिंह जी ने और ऋषि कपूर जी ने इतना अच्छा इस गाने को निभाया था, इनकी भी जो केमिस्ट्री थी वो बहुत अच्छी लगी मुझे। इस गाने को प्रैक्टिस करने का बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मैं तो ऋषि कपूर जी पूरा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसी ड्रेसिंग की है और वैसा एक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और वैसी गाने में फील लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिले के भी प्यास नहीं हटती, बरखा है खुशबू का साथ है। किसको पता है अब दिन है कि रात है। ला 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 ला। रंगों की बरखा है खुशबू का साथ है। किसको पता है अब दिन है कि रात है। लगे दुनिया ही और से भटती, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं हटती, जी। और नीतू जी, प्लीज इस परफॉर्मेंस के लिए कुछ कमेंट्स। आई वांट टू टेल यू खुर्रम, आपको किसी ने बोला कि आप ऋषि कपूर जैसे दिखते हैं? नहीं, उनकी बचपन की मूवीज या आपके बाल? मैंने बोला so क्यूटनेस, मैंने इसको बोला इसके बाल बिल्कुल सर की तरह मैच करते हैं। And he is actually looking, if you see this much part, yeah. He is actually looking like not old, that new yeah, the younger But very well performed, Yeah. ये गाना जो है, ये actually पहला गाना मेरी लाइफ का और नीतू की लाइफ का जो किशोर दा लता जी ने साथ में गाया था, first duet. तो जब ये गाना शुरू हुआ तो मुझे कुछ चिंता सी हो गई थी कि ये तो भैया खयाम साहब का गाना है, acoustic का गाना है, अभी देखते हैं क्या करते हैं यहाँ। But छोड़ा नहीं strings वालों ने, छोड़ा नहीं ढोलक वालों ने, और आप भी जो सिंथेसाइजर पे सब आपने बराबर किया। टेक अ बाउ लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज द म्यूजिशियंस। कमिंग बैक टू द मेंटर्स, विशाल, आई डोंट नो, मुझे जो एनर्जी आनी चाहिए थी खुर्रम, आपकी आपकी आवाज में फिर भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक थी। स्निति, आप बहुत मतलब गाने से अलग हो गई थी। जो एक्सप्रेशन आना चाहिए, जिस जो मोहब्बत आनी झलकनी चाहिए गाने, यू नो, संगीत में, वो नहीं आया, वो बात नहीं आई। But you can do it better. Okay, sir. Thank you. Vishal, one more thing which I have observed. Kishore da ko jab bhi hum gaane mein dekhte the, ek microphone stationary hota tha, jaise ye samjhe ye. Wo gaate the ke tere chehre pe
ऐसे गाते थे सम पे ठेके पे वजन देके सम दिखाने वाली बात। पर बच्चे क्या करते हैं कि उनका दोष नहीं है, दे आर एक्चुअली सिंगिंग फॉर टेलीविजन, दे आर सिंगिंग फॉर एन ऑडियंस, दे आर नॉट सिंगिंग फॉर अ टेक। दिस इज व्हाट आई फील। थैंक यू, ट्रूली ट्रूली वेल सेड सर। जो चीज आपने पॉइंट आउट करी है कि एक किशोरदा के अंदर एक वो ढेट खुला हुआ था, उनका जिगर खुला हुआ था, वो अपने आप को हीरो समझते थे। यू नो, अब ये मुकाम पे इन लोगों को पहुंचने के लिए ये सब सीढ़ियां हैं, यहाँ से चलते जाएंगे और जैसा कि आपने कहा ये भी वो मुकाम पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह एक ना एक दिन। बस आप इनकी दुआएं दीजिए इनको, एंड यू गाइज हैव डन फैंटास्टिक। और मैं पहले वाले गाने को रिलेट नहीं करता हूँ, मैं आज के परफॉर्मेंस के और आज के हमारे जो शहजादा कफल जो यहाँ बैठे हैं इनके लिए जो आप लोगों ने किया है उसके लिए मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ। थैंक यू। तो खुर्रम, आप ऋषि जी के लिए कुछ पैगाम लाए पाकिस्तान से। जी सर, बिल्कुल, मैं ऋषि कपूर जी से ये कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने कवालियाँ गाई हैं तो वो पाकिस्तान में बहुत ही पसंद की जाती हैं। और मुझे पूरे पाकिस्तान की तरफ से जितने जितने लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैंने बताया कि हमारे एपिसोड में ऋषि कपूर जी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ हमारी फरमाइश पे उनसे कवाली ज़रूर सुनिएगा। सर प्लीज़ प्लीज़ आप आइए और हम सब के लिए एक दफ़ा परफॉर्म कर दीजिए। देखो, गाना तो तुम्हारा काम है सर, मैं गाऊंगा थोड़ी, मुझे गाना थोड़ी आता है मुझे। सर सर बार हम सबकी ख्वाहिश है ये, और मेरे ख्याल से इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबकी ये ख्वाहिश है कि आज आपको देखें। सर एक शर्त पर करूंगा कि हमारे जितने मेंटोर्स हैं आप आइए और वो आप गाना गाइए और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं उसे लिप सिंग करूं। आप लोग सब आइए यहाँ। फिर एक और दरखास्त करूंगा कि मेरे लिए जरा एक गद्दा लगाइए क्योंकि मेरे अभी घुटने थोड़े इतने। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली गद्दा लगाइए। मैं जबीनों का तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन।
Fantastic performance. ये definitely kick-back break बनता है. Please, please take this. ये आप दोनों के लिए kick-back break. You definitely deserve a kick-back break after that performance, Ishiji. Definitely. Thank you so much.